हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पासवर्ड रिसेट DVR का कैसे करते हैं जिसमें पुश बटन है। पिछला वीडियो मैंने बताया था कि सॉर्टिंग करके कैसे करते हैं, इस वीडियो में जिसमें पुश बटन दिया हुआ है तो उसको कैसे करते हैं रिसेट। ये मैंने मॉडल अभी लिया है, ये आपका मॉडल है 1601K1-V4। V4 सीरीज़ का जितना भी हो, लास्ट में जितना भी हो, चाहे 8 चैनल का हो, 4 चैनल का हो, 32 चैनल्स का हो, जितने भी चैनल्स का हो, अगर V4 लगा हुआ हो और उसमें इस तरह का पुश बटन दिया हुआ हो आपका, तो आपको पासवर्ड रिसेट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले करना क्या है, इसे ऑफ़ करना है, ठीक है। इसको इस बटन को दबाना है आपको, दोबारा से इसे इंसर्ट करना है और इसे 15 से 20 सेकेंड आपको एज इट इज़ प्रेस करके रखना है, ठीक है। अभी ये बटन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको दोबारा से आपको ऑफ़ करना है, ठीक है, 20 सेकंड के बाद। फिर मैं दोबारा इसे लगा रहा हूँ और स्क्रीन के आने तक आपको वेट करना है, ठीक है। जब स्क्रीन पे जब आ जाएगा तो एज़ इट इज़ जैसे बिल्कुल आप नया सेटअप खरीदते हैं पूरा का पूरा आपका सेटअप आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेट करते हैं। ये देखिए अभी चलना शुरू हो गया है, ये देखिए ये खुल गया हमारा सामने, इसे सेव कर देते हैं। और ये देखिए ये पासवर्ड हमारा रिसेट है। अब यहाँ से अपना जो भी पासवर्ड आपको डालना है, मैं डाल रहा हूँ, ये चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, आपका दोबारा से रिसेट हो जाएगा। इस वीडियो से देखने से क्या होगा, आपको 2 मिनट का वीडियो बनेगा ये, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा है, बच जाएगा। तो ये था मेरा पर्पज़ था, क्योंकि बहुत लोग कॉल कर रहे थे तो मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका इम्पॉर्टेंट टाइम, प्रेशियस टाइम आपका बचे और वीडियो देख करके आप अपना समय बचाएं और जल्दी से सॉल्यूशन दें।